हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल्स में हम कर रहे थे, और इसके पहले एक वीडियो आ चुका है 7.3 के इंट्रोडक्शन का। ये वीडियो नंबर 2 है, या फिर आप बोलें तो ये इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल में, इंट्रोडक्शन टू 7.3 इंटीग्रल में ये वीडियो नंबर 2 है, इंट्रोडक्शन का वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, तो इसके पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपको नहीं मिला है तो जाइए नीचे कमेंट बच्चों मैंने पिन किया हुआ है, जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो उस पिन कमेंट में सबसे नीचे जाओगे तो इंटीग्रल्स का लिंक आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा, वहाँ क्लिक करिए, पार्ट 1 से चीज़ें खुल के आ जाएंगी, तो इसके पहले का जो वीडियो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे हमारे पुराने हैं उनको तो पता ही कि लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या किया था, NCERT एग्जाम्पल नंबर 7 का पार्ट 2 हमने स्किप कर दिया था। हमने आपको बताया था ये एक तरीके का टॉपिक है जिसको हम आपको पढ़ाएंगे। क्या था क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 पार्ट 2 में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए ये अपने आप में एक टॉपिक है। कैसे टॉपिक है, देखिए बच्चों हम पढ़ लेते क्या इंट्रोडक्शन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक हम क्या पढ़ लेते, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, करेक्ट। तो इस टॉपिक में बच्चों जो नेक्स्ट टाइप का इंटीग्रल होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स होगा। ठीक है, जहां पर ये m और n क्या हो सकते हैं, कोई इंटीजर हो सकते हैं, करेक्ट। अब देखो जरा, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, m और n की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। अब ध्यान से चेक करो, जैसे कि यहाँ साइन 2x, 2 एक इंटीजर है, कॉस 3x, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, 3 भी एक इंटीजर, ये कौन सा फॉर्म हो गया, देखो साइन इंटू कॉस टाइप का, साइन इंटू कॉस टाइप का, तो ऐसा कुछ हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आनी चाहिए कुछ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्लास 11th की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। ठीक है, कौन सी, मैं आपको बता रहा हूँ, याद होगा आपको कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा था, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई समथिंग होता था। तो देखिए ये आइडेंटिटीज बच्चे बार बार भूल जाते हैं, और ये रीज़न है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग से एग्जाम में नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको ये आइडेंटिटीज यहाँ बनाना सिखा रहा हूँ, सभी बच्चे मेरे साथ साथ बनाएंगे। पहले आप वीडियो को देख लीजिए, फिर खुद से बनाइए, पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना पा रहे हो, आपको याद हो रही हैं, तब आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा, यहाँ फंसेगा क्या, फंसेगा 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही हमको नहीं याद आता है। ठीक है, अब देखो कैसे याद करेंगे। देखो सबसे पहले कुछ आप ये एक पैटर्न याद कर लो, क्या देखो कॉस कॉस साइन साइन, देखो कॉस कॉस साइन साइन, उसके बाद साइन कॉस कॉस साइन, याद करो कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस कॉस साइन, और ये जो सेकेंड वाला है इसमें यहाँ माइनस लगा देंगे, तो कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस कॉस साइन, और यहाँ माइनस लगा देंगे। अब ये क्या बता दिया मैंने, देखो यहाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो कॉस कॉस इसका मतलब कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू इन टू, देखो कॉस के बाद फिर से कॉस आ रहा है, कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू। ओके, ये हो गया। अब क्या है, साइन साइन है, यानी कि हो जाना चाहिए क्या, साइन एक्स प्लस वाई बाय टू इन टू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। अब इसी को देख के एक और आइडेंटिटी बनेगी, बता रहा हूँ, और देखो यहाँ साइन के सामने माइनस लगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, करेक्ट। फिर क्या है, साइन कॉस, यानी कि होना चाहिए साइन एक्स प्लस वाई बाय टू इन टू कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू, करेक्ट। फिर कॉस साइन, यानी कि होना चाहिए कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू इन टू इन टू साइन है, तो साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। अब देखिए ये इक्वल टू में क्या चलता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो आपको फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा, लिखने का पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका क्या, यहाँ पे होता है बच्चों कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो पहले कॉस एक्स प्लस वाई, फिर होता है आपका कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, फिर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, फिर होता है आपके पास क्या, साइन एक्स प्लस साइन वाई, और लास्ट में होता है आपके पास साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो देखा हमने ये कैसे लिखा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको इस तरीके से पहले लिख के एक बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कर लिया, अब देखिए क्या करना है, राइट हैंड साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा मैं कौन सी आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूँ। आपने पढ़ा था कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2, और ये एक्स प्लस वाई बाय 2 मतलब ये एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस के लिए एंगल है, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से एक्स प्लस वाई बाय 2 ये साइन के लिए एंगल है, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल नहीं होगा। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद आ गई होंगी। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज को देखते हुए आप
कुछ आइडेंटिटीज और बनाओगे, और वो कैसे बनाओगे, देखो अब आप राइट से लेफ्ट चलोगे, राइट से लेफ्ट कैसे समझो, पहली आइडेंटिटी होगी कि आपके पास देखिए 2 cos x cos y, 2 देखो 2 ले लो, cos ले लो, इसके साथ x, इसके साथ y, तो राइट हैंड साइड वाला यहां पे कॉपी करो, मतलब कुछ ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूं, 2 cos x into cos y = 2। अब देखिए बनेगा कैसे, बनेगा इस तरीके से 2 cos x into cos y। अब यहां से देखो जरा, ठीक, तो यहां हमको लिखना है cos x + y और फिर प्लस लगा देंगे और फिर cos x - y। तो ये आइडेंटिटी आपको याद आई होगी, 2 cos x cos y = cos x + y + cos x - y। अब यहां से देखो जरा, यहां से नेक्स्ट जो बनेगा वो होगा -2 sin x into sin y, ठीक है, तो -2 sin x into sin y। अब यहां पे राइट हैंड साइड आपको क्या मिल रहा है, cos और cos मिल रहा है, तो हम भी लिख देंगे यहां पे, लेकिन यहां पे प्लस प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस, क्या होगा, cos x + y, तो हो जाएगा cos x + y और -cos x - y, करेक्ट। अब तीसरा sin x into cos y, तो 2 sin x, देखो 2 फिर sin x into cos y, यहां से बस हम हिंट ले रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा लिखने में इजी हो, ठीक है, 2 sin x into cos y = 2। अब यहां पे देखो क्या है, sin x + sin y, तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, sin x + y, और यहां बीच में प्लस है तो हम यहां लगा देंगे प्लस, और फिर sin x - y, करेक्ट। फिर क्या है, फिर है 2 cos और फिर sin, यानी कि 2 cos x into sin y, ठीक है, तो 2 cos x into sin y = 2। अब देखो यहां पर क्या है, माइनस है, तो यहां माइनस लगा देंगे और sin x + y हो जाएगा, यहां sin x + y हो जाएगा, ओके, और यहां हो जाएगा sin x - y, ठीक है। तो लिखने का तरीका सभी बच्चों का आ गया, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। एक बार मैं आपको और लिख के दिखाता हूं, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने, cos cos sin 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 cos cos sin cos sin 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 cos cos sin, और ये दूसरे वाले में आगे यहां माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब करते हैं कॉपी, तो क्या हो जाएगा, देखो cos, देखो यहां भी cos है, यहां भी cos है, तो एक बार cos x + y / 2, फिर into cos x - y / 2, करेक्ट, और इसके आगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। अब देखो sin sin है, यानी कि क्या आ जाएगा, sin x + y / 2 into sin x - y / 2, और आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर क्या है, अच्छा हाँ, यहाँ पे साइन के आगे माइनस लगा है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, करेक्ट। उसके बाद साइन कॉस, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा sin x + y / 2 into cos x - y / 2, और इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कॉस साइन है, यानी कि क्या हो जाएगा, cos x + y / 2 into क्या हो जाएगा, sin x - y / 2, अब इसके आगे 2 लगा देंगे, करेक्ट। अब इक्वल्स टू में, अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो याद हो जाएगा, पहले cos x + cos y लिखेंगे, पहले cos का काम कर लो सारा, ठीक है, तो cos x + cos y, फिर क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, यानी कि cos x - cos y, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ, अब sin का काम करेंगे, यानी कि sin x + sin y, ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, sin x - sin y। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप बनाना सीख लीजिए तो गलत नहीं होगा। अब राइट से लेफ्ट चलेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 into cos into cos है, तो 2 into cos x into cos y हम करेंगे, ठीक है, तो 2 into cos x into cos y = 2। अब यहाँ से रिजल्ट लिख लो, आप कुछ नहीं करना है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, तो हम यहाँ लिखेंगे cos x + y, यहाँ लिखेंगे cos x - y, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x + y और प्लस cos x - y, करेक्ट। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, यहाँ क्या है, -2 sin है, फिर sin है, यानी -2 sin x into sin y, तो दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो -2 into sin x into sin y = 2, क्या हो जाएगा, cos है, फिर cos है, तो कुछ नहीं करना है, cos x + y, फिर -cos x - y, तो cos x + y और -cos x - y। आइडेंटिटी पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, पता लगा नहीं, यही नहीं याद हो, इंटीग्रेशन खूब आपको आ जाए, आइडेंटिटी आती नहीं, एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे, है ना, तो आइडेंटिटी पे फोकस करो, इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा यार, इंटीग्रेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले। अब देखो 2 sin cos है, यानी कि 2 sin x into cos y, ओके, तो 2 sin x into cos y = 2, लेफ्ट में देखो क्या है, साइन है, फिर साइन, तो sin x + y, और यहाँ पे प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे और sin x - y, ओके, लास्ट में देखो क्या है, 2 cos और फिर sin, यानी कि 2 cos x sin y, तो ये हो जाएगा 2
कॉस एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन और फिर फाइन है लेकिन बीच में माइनस है, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 7 पार्ट 2 लेने से पहले ये एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसको देखिए साइन 4x इंटू कॉस 3x, ठीक है। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है ध्यान से चेक करो, साइन इंटू कॉस टाइप का है, तो साइन इंटू कॉस कहाँ है ध्यान से चेक करो, यहाँ पर साइन इंटू कॉस ये रहा थर्ड में, लेकिन इसके आगे 2 लगा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से करोगे डिवाइड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये जो 2 से डिवाइड है इसको हम इंटीग्रल के बाहर 1/2 लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 3x, कोई डाउट है बताइए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से 2 कट जाएगा वापस वैसा ही आ जाएगा जैसा क्वेश्चन दिया था ये देखिए, ठीक। तो हमने अपना फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 2 साइन और ये पूरा इस बार किसकी जगह आ गया x की जगह, और ये पूरा किसकी जगह आ गया y की जगह, तो 2 sin x cos y, तो 2 sin x cos y क्या होता है, 2 sin x cos y sin x plus y plus sin x minus y, यानी कि sin x plus y x की जगह 4x, तो sin x और plus y y की जगह 3x, sin x plus y और plus sin x minus y, यानी कि क्या हो जाएगा sin 4x minus 3x sin x minus y, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, 4x प्लस 3x साइन 7x, तो साइन 7x और प्लस साइन 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x x, तो साइन x dx इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें ये हो जाएगा आपके पास, देखो हाफ तो पूरे से मल्टीप्लाई है उसका टेंशन नहीं है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, पहले करेंगे साइन 7x का और प्लस इंटीग्रेशन करेंगे किसका, साइन x का, साइन x का, ओके dx लगाना नहीं भूलिएगा, अब ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, हो जाएगा हाफ आगे और ब्रैकेट में ध्यान से चेक करिए साइन 7x का इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कॉस होता है, तो साइन 7x का माइनस कॉस 7x, बट x के कोफिशियंट से, x का कोफिशियंट क्या है 7 से, क्योंकि ये x में लीनियर पॉलिनोमियल है 7x, तो x के कोफिशियंट से डिवाइड लगाएंगे, ठीक, तो 7 से डिवाइड लगा दिया। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, माइनस कॉस x, और यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड लगाओगे तो इतना ही आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर, थोड़ा सा अगर सुधार के लिखना हो तो 1/2 और इन द ब्रैकेट इसको आप अपॉन में 7 इसको माइनस 1/7 इंटू कॉस 7x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब तो वही बात है आंसर मैच कराने वाली है ना, ऐसे ही कर दो यार आंसर, क्या दिक्कत है, ये रहा आंसर, कहीं पे आप देखोगे बुक में माइनस कॉमन ले लेंगे, कहीं देखोगे 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओके, तो इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है एक और, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x, ओके। अब देखिए साइन और साइन कहाँ आता है, ये सेकेंड फॉर्मूले में, ठीक है, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, आगे क्या है माइनस 2, यानी कि इस बार हम क्या करेंगे माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 से डिवाइड, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया माइनस 2 से मल्टीप्लाई और माइनस 2 से डिवाइड, अब देखिए ये हो जाएगा आपका अपॉन में जो माइनस 2 है उसको हम माइनस हाफ लिख सकते हैं बाहर, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 2 बचा, तो माइनस 2 इंटू साइन 3x इंटू साइन 2x, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस हाफ, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो ये क्या होता है माइनस, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है, तो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिए माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, क्या होता है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है 3x है, तो कॉस एक्स और प्लस वाई, ओके, और माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह 3x और माइनस वाई की जगह 2x, ओके, ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ dx होना चाहिए, ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस हाफ और इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2y कितना, सॉरी y लिख दिया मैंने, सॉरी ये x है और ये y है, तो 3x प्लस 2x होना चाहिए था, 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x, तो हो जाएगा आपके पास क्या इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 5x और माइनस 3x माइनस 2x x हो जाएगा, तो cos x, ओके। तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया, अब इसको इंटीग्रेट आप ईजिली कर सकते हो, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस हाफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले cos 5x का इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos
फाइव एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स. ओके करते हैं सॉल्व. तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो कॉस फाइव एक्स का साइन फाइव एक्स, एक्स के कोफिशियंट से डिवाइड लगा देंगे. ठीक है, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, और एक्स का कोफिशियंट वन है, वन से डिवाइड लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स ही आ जाएगा. तो ये रहा आपका फाइनल आंसर. ओके अब इसमें आंसर मैच करने वाली बात होती है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप कर सकते हैं क्या, इसमें आप माइनस कॉमन ले सकते हैं अंदर से. ठीक है, तो ये पोर्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, तो अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो साइन एक्स जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव था यानी कि साइन फाइव एक्स अपॉन फाइव वो नेगेटिव हो जाएगा. तो एक आंसर मैच करने वाली बात होती है, तो ऐसे भी दे सकते हो आंसर और ऐसे भी दे सकते हो, कर लीजिए. एनसीईआरटी एग्जाम्पल सेवन पार्ट टू, अब कर सकते हो साइन टू एक्स कॉस थ्री एक्स, साइन टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन करना है, टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड करोगे आगे हाफ आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ, और फॉर्मूला लगा दीजिए टू साइन एक्स कॉस एक्स का. ठीक है, तो क्या होता है आपका टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, वहाँ से देखिए टू साइन एक्स कॉस एक्स बोल रहा हूँ सॉरी टू साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब टू एक्स, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, तो साइन एक्स और प्लस वाई. ओके टू साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो एक्स और माइनस वाई. ओके ये हो गया, सॉल्व करते हैं. तो जगह वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए साइन वाई लिख देता हूँ मैं गलती से सॉरी, साइन ये रहा एक्स और ये रहा वाई, टू एक्स प्लस जे फाइव एक्स, तो साइन ऑफ फाइव एक्स और प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एक्स. ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा है क्या कि साइन माइनस थीटा, ये तो सभी बच्चों को पता होगा क्लास इलेवन में माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा. ओके तो ये हो गया साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये वाला प्लस नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स. ओके अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा हाफ, ये एक्चुअल में पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में था, इसका इंटीग्रेशन करना था, हाफ पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा था. ठीक है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाइव एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स लगाना नहीं भूलना भाई. ठीक है, सॉल्व करते हैं. तो हो जाएगा वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन ऑफ, साइन का क्या होता है कॉस होता है, लेकिन माइनस आएगा, माइनस क्योंकि आंसर हमारा सी से आ रहा है तो आंसर माइनस में आएगा, तो साइन फाइव एक्स का माइनस कॉस फाइव एक्स और फाइव से डिवाइड लगा देंगे. यहाँ पर माइनस और साइन का क्या होता है ध्यान से सुनिए, माइनस कॉस होता है, तो वो वाला माइनस यहाँ आके इसको प्लस कर देगा कॉस एक्स, एक्स का कोफिशियंट वन है, वन से डिवाइड लगाओगे फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, प्लस सी. तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, आप मैच कर सकते हैं पार्ट टू का आंसर. थोड़ा रीअरेंज वरेंज करके लिखा हो तो बात अलग है. हाँ बिल्कुल रीअरेंज करके उन्होंने लिखा है, 1 अपॉइंट टू को अंदर मल्टीप्लाई किया, आप भी कर लो 1 अपॉइंट टू इंटू 1 अपॉइंट फाइव, 1 अपॉइंट टेन और माइनस का माइनस 1 बाई टेन इंटू कॉस फाइव एक्स और प्लस 1 बाई टू इंटू कॉस एक्स, तो 1 बाई टू कॉस एक्स और प्लस सी. ओके चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है. अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके होमवर्क आपका, ठीक है होमवर्क क्या है, सीबीएसई 2007 का ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स इंटू कॉस फोर एक्स, ये आपको दिया था उन्होंने सीबीएसई 2007 में आया था क्वेश्चन. ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1.2 इन द ब्रैकेट साइन 6x बाय 6 प्लस साइन 2x बाय 2 और प्लस सी. ठीक है, उसके बाद सीबीएसई 2007 में दूसरे सेट में एक और क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 7x dx, और इसका आंसर आया था वहाँ पर माइनस 1 बाय 22 इंटू कॉस 11x प्लस 1 बाय 6 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस सी. ठीक है, वैसे तो आप करोगे नहीं मुझे पता है, ठीक है, बट आप करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मैंने कर लिया है. ठीक है, तो प्लीज इसको कर लीजिए आप. नाउ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको मैं यहीं कराना उचित समझ रहा हूँ बिकॉज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो यहीं करा लेते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज में नहीं करेंगे इसको, तो आप इसको यहीं पे फिनिश कर लीजिए, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा कि ये क्वेश्चन हमने यहाँ किया हुआ है और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी चुका है. करेक्ट, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ कॉस 2x इनटू कॉस 4x इनटू कॉस 6x है. करेक्ट, तो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, हमने क्या किया, हमने पहले इतने पार्ट को कंसीडर किया, इतने पार्ट को, ये और ये कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x तीनों मल्टीप्लाई है, तो इसको भी हमने ब्रैकेट में रख लिया. अब यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्म बनेगा, कॉस x इंटू कॉस वाई वाला, कॉस x इंटू कॉस वाई आगे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया डिवाइड. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ ये जो 2 से डिवाइड किया इसको आप बाहर लिख सकते हो. ठीक है, 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया और अंदर बच गया आपके पास क्या, 2 इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x
इंटू कॉस ऑफ 6x dx। और ध्यान दें ये जो 1 अपॉन 2 आपने बाहर लिया ये पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसको हमने क्या किया स्क्वायर ब्रैकेट में रख लिया। ओके नाउ अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो 2 इंटू कॉस, ये x जैसा बिहेव कर रहा है और ये y जैसा, तो 2 cos x cos y, ठीक है। इसको जो भी सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और तो 2 cos x cos y क्या होता है, cos x plus y plus cos x minus y, तो cos x plus y यानी कि 2x plus 4x कितना हो जाएगा, 2x plus 4x कितना हो जाएगा 6x, तो cos x plus y और plus cos x minus y जब करोगे तो यानी cos 2x और minus 4x, देखो cos x plus y 2x plus 4x 6x और cos x minus y यानी कि 2x minus 4x 2x minus 4x करेक्ट, ये हो गया। और बाहर cos 6x मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, इस पूरे वैल्यू में, ठीक है। अब ध्यान दें देखिए cos 2x minus 4x ये क्या होता है, cos 2x minus 4x, तो ये तो हो जाएगा cos 2x minus 4x minus 2x, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 में क्या cos minus theta क्या होता है, cos theta यानी कि cos of minus और ये रहा इसका theta, तो cos of minus theta cos theta हो जाएगा, यानी कि cos of minus 2x cos 2x ही हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख दे रहे हैं cos 2x करेक्ट, तो यहाँ हमने cos 2x लिख दिया। अब एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos 6x और यहाँ से cos 6x, तो cos 6x इंटू cos 6x cos स्क्वायर 6x और प्लस cos 2x इंटू cos 6x, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा ना cos 2x इंटू cos 6x करेक्ट, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब ये क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि cos की पावर m टाइप वाला क्वेश्चन है जो कल क्लास करी थी आपने, तो cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर और थीटा की जगह क्या है मेरे पास 6x, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा, cos 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है आपका 6x, तो 2 इंटू 6x 12x, तो cos 12x बाय 2, यानी कि cos स्क्वायर 6x की जगह हम 1 प्लस cos 12x बाय 2 लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया 1/2 इन द ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हो गया 1 प्लस cos 12x और बाय 2 और प्लस, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें फिर से मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई, तो इतने पोर्शन में फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो बाहर हो गया हाफ और इंटीग्रेशन में 2 cos x cos y, क्या होता है cos x plus y यानी कि 2x plus 6x 8x और प्लस cos x minus y यानी कि cos x minus y यानी cos 2x minus 6x, ओके। तो ऐसा कुछ हमारे पास हो गया, ठीक है। तो 2 cos x cos y, cos x plus y plus cos x minus y, अब देखो 2x minus 6x minus 4x होता है, तो यहाँ हो जाएगा cos of minus 4x, cos of minus 4x, but cos of minus theta cos theta यानी cos of minus 4x cos 4x ही हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसा हमारे पास कुछ हो गया। अब ध्यान से चेक करिए क्या इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने से पहले एक बात मुझे समझ में आ रही है बच्चों, ध्यान से अगर आप चेक करेंगे तो देखो देखो हमको ये फर्स्ट टर्म इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस लगा हुआ है, और ये पूरा सेकंड टर्म है हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ध्यान से चेक करो फर्स्ट टर्म में भी क्या अपॉन में 2 है और सेकंड टर्म में भी पूरे में अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 का मतलब समझो ना ये पूरे में अपॉन में 2 है, तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस cos 12x और यहाँ पर 1 अपॉन 2 इंटू cos 8x प्लस cos 4x, तो यहाँ से 1 अपॉन 2 और यहाँ से 1 अपॉन 2 कॉमन आ सकता है, ले लो कॉमन, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1 अपॉन 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये हो जाएगा, एक तो ये बाहर 1 अपॉन 2 था, ठीक, फिर हमने क्या किया, हमने इस पूरे में से 1 अपॉन 2 कॉमन लिया, तो ये 1 अपॉन 2 इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या बचेगा आपके पास ब्रैकेट में, क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस cos 12x करेक्ट और प्लस 1 अपॉन 2 जा चुका, तो क्या बचेगा cos ऑफ 8x प्लस cos ऑफ 4x, ओके, और dx, ये 1 अपॉन 2 कॉमन लेना आना चाहिए यार आपको, ये फर्स्ट टर्म था, यहाँ से भी 1 अपॉन 2 कॉमन आ रहा था और यहाँ से भी, और इस पूरे का इंटीग्रेशन एक्चुअल में मुझे करना था जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ मैंने, है ना, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से 1 अपॉन 2 बाहर ले आया तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से भी इसको बाहर ला सकते हो क्योंकि यार ये दोनों मल्टीप्लाई ही तो है ना,
तो ये वाला 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, 1/4 कर देगा, और सिंपली आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये 1/2 1/2 1/4 हो गया, उसको छोड़ो। अब इसका इंटीग्रेशन, ठीक, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, अच्छा यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट अब हटा दूँ तो आपको फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर जगह प्लस 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 है, यहाँ से ब्रैकेट हटा दूँ, ठीक, अब क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन और प्लस कॉस 12x का इंटीग्रेशन, और dx लगाना मत भूलना, प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन और प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/4 इन द ब्रैकेट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x के स्क्वायर में, x cos 12x का हो जाएगा sin 12x, और x का कोफिशिएंट 12 है उससे डिवाइड लगा देंगे, और प्लस cos 8x का होता है sin 8x, और x का कोफिशिएंट 8 है उससे डिवाइड लगा देंगे, cos 4x का हो जाएगा sin 4x, और x का कोफिशिएंट 4 है उससे डिवाइड लगा देंगे, और प्लस c, एक्चुअल में ये 1/2 जो अंदर c आया होगा उससे मल्टीप्लाई किया होगा, तो 1/2 इंटू कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट होगा, उसको हमने c लिख के छोड़ दिया, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना यार, आपको लास्ट में एक c लगा देना बस, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कुछ आगे पीछे होगा तो NCERT से मैच कर लीजिएगा। सीआरटी में एक्चुअल में ऐसा आ रहा है, ये अपॉन में जो 12 है इनको उसमें 1/12 इंटू कर दिया है, अपॉन में जो 8 है इसको 1/8 इंटू साइन 8x कर दिया है, और यहाँ पर 1/4, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर दो, फुल मार्क्स। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइम ले लेते हैं, सीबीएसई 2012 में आया हुआ है, ठीक है, यहीं पर प्रैक्टिस कर लीजिए लगे हाथ, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन की, तब तो आप सारा खेल समझ गए होंगे। साइन एक्स इंटू साइन 2x, इतने पोर्शन में ब्रैकेट लेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, सही है। अब ये हो जाएगा, सपोज इसको i अज्यूम किया हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो i इज इक्वल्स टू, और इसको पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में यदि आप ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अब 2 sin x इंटू साइन वाई टाइप का है, तो 2 sin x साइन वाई टाइप का जब होगा हमारे पास, ठीक है, अच्छा यहीं पे आप एक काम कर सकते हो, देखो आप बोलोगे आपकी माइनस आ गया तो कोई बात नहीं यार, माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 से डिवाइड कर लो, चलो तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और माइनस 2 से डिवाइड, यानी कि माइनस हाफ होगा बाहर, ठीक, अब खुश। तो अब देखो माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह 2x, तो एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स प्लस 2x 3x, ओके, तो कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है, एक्स है और वाई की जगह 2x है, करेक्ट, तो ऐसा कुछ आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और बाहर क्या आपके पास, बाहर है आपके पास साइन 3x, ओके, तो ये ऐसा कुछ आ गया, अगर यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाना हो तो कर्ली ब्रेसेस लगा लो। अब देखो ये आ जाएगा माइनस हाफ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 से डिवाइड किया, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है आपका कॉस 3x लिखा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, अब माइनस, और ध्यान दें यहाँ पर कॉस एक्स माइनस 2x, कॉस एक्स माइनस 2x क्या होता है, कॉस माइनस एक्स होता है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स आएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा इंटू साइन 3x dx, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा माइनस हाफ और स्क्वायर ब्रैकेट में, ध्यान दें स्टूडेंट, साइन 3x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x इंटू साइन 3x, फिर माइनस कॉस एक्स इंटू साइन 3x, कॉस एक्स इंटू साइन 3x, करेक्ट, dx, ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेक करें, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए पता है क्या, देखो चो यहाँ पे मैं अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, ब्लू मार्कर से देखिएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब समझो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो 1/2 इंटू 2 ही तो होगा, ठीक है, और इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया, 2 इंटू कॉस 3x इंटू साइन 3x, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही काम करोगे, माइनस तो लगा ही था, हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा किसका, 2 cos x sin y का, 2 cos x sin y लास्ट वाला, लेकिन इसकी स्थिति देखिए जरा, ये क्या है, इतना जो ब्रैकेट में है मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, तो 2 cos 3x, देखो 2 cos 3x इंटू साइन 3x, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 3x, तो 2 sin 3x इंटू कॉस 3x ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब भैया ध्यान से चेक करो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा होता है,
देखो वो पहचान नहीं पा रहे हो, ये देखो 3x यहाँ भी, 3x यहाँ भी, और हमने पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा ही तो होता है। शर्त ये है कि ये मैच करना चाहिए, यहाँ देखो थीटा थीटा मैच करता है, तो यहाँ 3x मैच कर रहा है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 इंटू थीटा, और थीटा की जगह क्या है आपके पास 3x, तो साइन 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह 3x, तो ऐसा कुछ हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा, तो साइन 6x हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। तो इतना जो ब्रैकेट में पोर्शन लिखा है इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा साइन 6x, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे अब हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास होगा यहाँ पर देखिए। अच्छा इससे पहले एक चीज़, सभी बच्चे ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे भी 1/2 है, फिर माइनस यहाँ पे 1/2 को कॉमन लोगे, यहाँ से भी, तो इंटीग्रल के बाहर आएगा और वो 1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो लगा ही था बाहर, और 1/2 अंदर से 1/2 आया तो 1/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4 होता है, ठीक। फिर इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से चेक करिए, देखो ये 1/2 जा चुका और हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, साइन 6x, इस पूरे की जगह 2 कॉस 3x इंटू साइन 3x की जगह साइन 6x बच गया, करेक्ट। और माइनस, ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस ये 1/2 जा चुका, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई का क्या होता है, 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस 3x 4x साइन एक्स प्लस वाई, और माइनस साइन एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह 3x, ठीक है। ये ऐसा आ गया, तो साइन एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स प्लस 3x 4x और साइन एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स माइनस 3x। अब सुनो एक बार बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स माइनस 3x क्या होता है, साइन माइनस 2x, ठीक भाई, एक्स माइनस 3x माइनस 2x होता है, तो साइन ऑफ माइनस 2x। लेकिन आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसका मतलब साइन ऑफ माइनस 2x माइनस साइन 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस पूरे की जो वैल्यू है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, जगह नहीं है ज़्यादा, तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ साइन 2x। अब माइनस ऑफ साइन 2x आएगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस, और फिर हम आगे क्या लिख देंगे, साइन 2x, ठीक है, ये हो गया। तो देखा आपने, इसमें इंटीग्रेशन तो दूर दूर तक की बात नहीं है, इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा, चेक किया जा रहा है कि क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं, काम चलाते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ हो गया आपके पास साइन 6x बचा, और यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन 4x अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस साइन 4x और माइनस प्लस माइनस साइन 2x। अब इसको आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, बस इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिए, पहले साइन 6x का करेंगे, तो साइन 6x, फिर क्या है माइनस है, dx लगाना नहीं भूलिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, साइन 4x और dx लगाना नहीं भूलेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 और ब्रैकेट में देखिए साइन 6x का होता है माइनस कॉस 6x, भाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस कॉस 6x एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। फिर माइनस, अब ध्यान दें, साइन 4x का माइनस कॉस 4x होगा, तो जब माइनस 4 कॉस 6 होगा तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो कॉस 4x और x के कोफिशिएंट 4 से डिवाइड लगा देंगे। साइन 2x का क्या होता है माइनस कॉस 2x, तो माइनस आएगा इसको प्लस कर देगा, ठीक है, कॉस 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे, और प्लस सी। अब आप देखोगे तो आंसर कैसे आ रहा है आपका, आपका आंसर आ रहा होगा ये जो बाहर माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होगा इन्होंने, ठीक है, केवल बाहर 1/4 रखा होगा, तो सोचो जरा 1/4 रखा और इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन चेंज हो गया, कॉस 6x अपॉन 6 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, तो यहाँ प्लस फिर माइनस फिर माइनस, यानी कि कॉस 6x बाय 6 और माइनस कॉस 4x बाय 4 और माइनस कॉस 2x बाय 2 और प्लस सी। एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं, वो इस तरीके से शायद दे रहे हो आपको, कॉस 6x बाय 6 को 1/6 इंटू कॉस 6x लिखा हो, कॉस 4x बाय 4 को 1/4 लिखा हो, और कॉस 2x बाय 2 को 1/2 लिखा हो, और मेरे ख्याल से तो शायद क्या 1/2 भी कॉमन ले लिया है क्या एनसीईआरटी में, लेट मी चेक इट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका इंटीग्रेशन बस चेक किया जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है।
तो आंसर ऐसा कुछ नहीं है कि जो है एकदम मैच ही करें, ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी से मैच करें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, 1/4 इन द ब्रैकेट 1/6 कॉस 6x माइनस 1/4 कॉस 4x माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ओके कर लीजिए, इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी के अंडर में आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x बाय साइन x, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x को आप क्या लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट लगाओ पहले ऐसे, तो 2 × 2x लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन साइन x, तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान से चेक करिए, ये पूरा हो गया आपका थीटा, तो साइन 2θ क्या होता है, 2 × sin θ × cos θ, भाई साइन 2θ क्या होता है, 2 sin θ cos θ, लेकिन थीटा की जगह आपको क्या लिखना है 2x, तो 2 sin 2x × cos 2x, तो 2 sin θ × cos θ और अपॉन में क्या आ गया आपके पास साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी यूज हुई है साइन 2θ, इसको 2 sin θ × cos θ, सिंपल है। अब देखो ये वाला 2 आप बाहर ले सकते हो, तो इस 2 को आपने क्या किया, इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके 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 ओके, बाहर लें कि नहीं, बाहर लें कि नहीं, नहीं अभी नहीं लो, अभी नहीं लो, अभी नहीं लो, ले लो ले लो, देखो क्यों, क्योंकि देखो जब इस 2 को तुमने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा साइन 2x × cos 2x, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब क्या करें, नीचे है साइन x, ठीक है, अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये वाला साइन x कट जाएगा, कैसे, साइन 2x में फिर से साइन 2θ लगा दो और थीटा की जगह इस बार x आ जाएगा, हो जाएगा 2 × sin 2 × θ, क्या होता है 2 sin θ × cos θ, यानी कि 2 sin x × cos x, ओके, × cos 2x और डिवाइडेड बाय साइन x। अब ये है तो सब कुछ मल्टीप्लाई में, देखो ये सब मल्टीप्लाई में, तो साइन x से साइन x कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास आ गया क्या 2 ∫ और यहाँ पर बच गया आपके पास 2, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, 2 cos x cos 2x, 2 cos x × cos 2x dx, करेक्ट। अब ये हो गया, अब इसको कैसे करें, 2 cos x cos y का फॉर्मूला लगा दो, तो कहाँ गया 2 cos x cos y, क्या होता है, तो ये i = 2 × ∫ 2 cos x cos y, क्या होता है cos x + y + cos x - y, यानी कि cos x + y, x + y, यानी कि x + 2x 3x, ओके, और प्लस cos x - y, तो cos x - y यानी कि cos x - 2x, cos x - 2x, cos x - 2x क्या हो जाएगा cos of -x, और cos of -θ क्या होता है cos θ, यानी कि यहाँ पर cos x ही तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जो है वो पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, सभी बच्चों को पता है, तो 2 ∫ cos 3x का कर लेंगे और प्लस cos x का कर लेंगे, ठीक है, dx लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ब्रैकेट में cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x और x के कोफिशियंट से डिवाइड, और प्लस cos x का क्या होता है sin x और x का कोफिशियंट यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो sin x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin x ही रहेगा, ठीक है, प्लस c। तो इस टाइप का कुछ आंसर आपका आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर आप इसको थोड़ा सा सुधार के लिखना चाहें तो 2 ∫ 3 है, इसको 1/3 × sin 3x और प्लस sin x भी लिखा जा सकता है। ओके, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हमको मिला है मतलब इसी टाइप में मिला है एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे हैंडल करें, यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए cos 5x plus cos 4x है, अगर हम इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट भी करें, मतलब समझो ये जो है नीचे लिखा हुआ है 1 − 2 cos 3x को इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, तब भी कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ लग नहीं पाएगा, और क्या करें, और कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें, ठीक। तो देखो इसका एक तरीका है, वो तरीका आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको cos 3x दिख रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेना, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है, हमने क्या किया sin 3x से, देखो cos 3x दिख रहा है, तो sin 3x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और sin 3x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा है, देखो इससे ये फ़ायदा है कि सपोज ये i है, अब देखो इससे ये फ़ायदा है कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और sin 3x को भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, sin 3x और अंदर हो गया आपके पास cos 5x plus cos 4x और अपॉन में ध्यान दें sin 3x into 1, ये हो जाएगा sin 3x आपके पास माइनस, अब देखो 2 × sin 3x into cos 3x, 2 × sin 3x into cos 3x हो जाएगा, करेक्ट, ओके, तो ये हो गया dx। अरे sin 3x यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा यार, 2 sin 3x into cos 3x। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इन द ब्रैकेट cos 5x प्लस
कॉस 4x, देखो अगर हम चाहें तो साइन 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन 3x इंटू कॉस 5x बन जाएगा, फिर साइन 3x इंटू कॉस 4x और साइन इंटू कॉस और साइन इंटू कॉस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, बन जाएगा, मना नहीं कर रहे हैं लेकिन वेट करते हैं, देखें शायद कुछ बात और बन जाए। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x और देखो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चेक करो थीटा मैच कर रहा है भैया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 इंटू थीटा और थीटा की जगह क्या है 3x है, तो साइन 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह 3x है तो 2 साइन 2 इंटू 3x यानी कि साइन 6x यहाँ पर आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा हो गया, ओके। अब क्या करें, देखो मर्जी है आपकी, मर्जी ये है आपकी कि आपको मैंने ये फॉर्मूले भी तो बताए हुए हैं, ठीक है ना, देखिए इसका भी काम पड़ गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, हालांकि मैं वैसे चाहूँ तो बना सकता हूँ बट कोई ज़रूरत नहीं है, साइन 3x और ब्रैकेट में देखिए कॉस सी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, कॉस ये रहा x आपका और ये रहा y, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos x plus y by 2 यानी कि 5x plus 4x, x plus y by 2 into cos x minus y by 2 यानी कि cos x minus y by 2 यानी कि 5x minus 4x by 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर नहीं लगाया होगा तो आप एग्जाम में वैसे आएगा नहीं मेरे ख्याल से ना, बोर्ड में ऐसा नहीं देना चाहिए उनको क्योंकि इतना भयंकर इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रहा है कि साइन 3x से मल्टीप्लाई करो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर भी आप कर लीजिए, करने में क्या जा रहा है एक बार। अब देखो साइन x माइनस साइन y, साइन x माइनस साइन y, 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2, तो हो जाएगा नीचे क्या 2 into cos x plus y by 2, तो x plus y by 2 into sin x minus y by 2, ठीक है। तो x माइनस वाई बाई टू यानी कि 3x और माइनस 6x बाई टू और यहाँ पर dx, ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इतना आप कॉपी कर लीजिए ओके। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, ओके। और ये हो जाएगा आपके पास इन द ब्रैकेट 2 इंटू, अब देखो 5x प्लस 4x, 9x होता है 9x बाय 2, तो cos 9x बाय 2 और ये वाले 2 से इसको कैंसिल मत कर देना क्योंकि 9x बाय 2 cos का एंगल है, ओके। इंटू इंटू cos 5x माइनस 4x, x होता है तो cos x बाय 2, ये cos x बाय 2 लिखा हुआ, ठीक है। और dx, ओके, अपॉन में ये हो जाएगा नीचे क्या 2 इंटू cos 3x plus 6x, x क्या हो जाएगा 9x, तो cos 9x by 2, अगेन 2 से 2 कैंसिल नहीं करिएगा आप, ठीक है। इन टू, अब ध्यान दो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा sin, देखो 3x minus 6x, minus 3x होता है तो minus 3x by 2, लेकिन sin of minus theta minus sin theta, तो minus आगे आ जाएगा और sin 3x by 2 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर जो minus आगे आएगा उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, minus sin 3x by 2, करेक्ट। अब क्या करें, अब देखो एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, देखो cos 9x by 2, cos 9x by 2 कैंसिल हो गया, ओके। और यहाँ से हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपको बताया है चैप्टर नंबर 5 में, जिन बच्चों को नहीं आता है देख लें, अगर sin 2 थीटा कितना है 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2, ठीक है। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin थीटा का जो फॉर्मूला होगा, सॉरी साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर आप लेफ्ट पे एंगल हाफ करोगे टू थीटा का हाफ थीटा, तो राइट में भी एंगल हाफ हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, करेक्ट। तो ठीक इसी तरीके से अगर मैं साइन और थ्री एक्स को, अगर मैं साइन इस थ्री एक्स को अगर मैं थीटा ज़ूम करूँ, सोचो अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा, टू साइन थीटा बाय टू यानी कि थ्री एक्स बाय टू इंटू कॉस 3x by 2, देखिए 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, अगर 3x क्या है theta, तो sin theta is equal to 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, अब ऐसा हमने इसलिए सोचा क्योंकि sin 3x को अगर मैं क्या लिख दूं 2 into sin theta by 2 यानी कि 3x by 2 into cos theta by 2 यानी कि 3x by 2, इससे मेरा ये फायदा है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है इसको लिख दो, into
कॉस एक्स बाय टू ओके अपॉन में क्या बचा है आपके पास यहाँ माइनस टू और यहाँ बचा है आपके पास साइन थ्री एक्स बाय टू। तो ये मैंने इसीलिए सोचा था क्या कि जब मैं साइन थ्री एक्स को साइन थीटा के फॉर्मूले से खोल दूंगा टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू तो मुझको यहाँ पर क्या मिल जाएगा साइन थ्री एक्स बाय टू, नीचे भी तो है साइन थ्री एक्स बाय टू, तो ये साइन थ्री एक्स बाय टू से साइन थ्री एक्स बाय टू कैंसिल हो जाएगा और मेरा बात बन जाएगी। कैसे बात बन जाएगी, क्योंकि अब मुझको न्यूमरेटर में मिलेगा जो भी मिलना है मुझे डिनोमिनेटर में केवल माइनस टू मिलेगा और इस माइनस टू को मैं क्या करूंगा यहाँ वाले टू से कैंसिल कर दूंगा क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में, अब ये माइनस यहाँ पे लग सकता है तो इंटीग्रेशन ऑफ ये माइनस मैंने यहाँ लगाया तो माइनस टू इंटू क्या हो गया कॉस थ्री एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। अब आराम से मेरे पास न्यूमरेटर में कुछ ऐसा बन गया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई टाइप का, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला फिर से लगा लूंगा और ध्यान दें स्टूडेंट्स ये माइनस का साइन आप यहाँ से यहाँ लगा लीजिए ना क्या दिक्कत है, और इस पूरे में आप फॉर्मूला लगा लीजिए तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉस एक्स कॉस वाई क्या होता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई यानी कि थ्री एक्स बाय टू और प्लस एक्स बाय टू, तो कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस कॉस एक्स माइनस वाई यानी कि कॉस एक्स और माइनस वाई, ठीक है ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा देखो अपॉन में टू है ना एलसीएम टू ही आ जाएगा थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स और फोर एक्स बाय टू फोर एक्स बाय टू टू अंदर टू 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 फोर तो कॉस टू टू एक्स बच जाएगा यहाँ प्लस थ्री एक्स बाय टू माइनस वन थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स बाय टू कॉस टू एक्स बाय टू टू से टू गया कॉस एक्स बच जाएगा यहाँ तो यहाँ बच जाएगा आपके पास कॉस एक्स ओके डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे उठा के, ठीक है। अच्छा चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें देखो ये जो माइनस है बच्चों ये पूरे इंटीग्रेशन वाले में मल्टीप्लाई मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है उसमें मल्टीप्लाई है तो माइनस को आप स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही अभी रखिए बहरहाल, ठीक है। और इंटीग्रेशन करेंगे किसका कॉस टू एक्स का साथ में डी एक्स लगाना नहीं भूलिए प्लस किसका करेंगे कॉस एक्स का करेंगे डी एक्स लगाना नहीं भूलेंगे। अब माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉस टू एक्स का होता है आपका साइन टू एक्स और x के कोफिशियंट 2 से डिवाइड लगाने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस cos x का होता है आपका क्या sin x और पीछे आ जाएगा प्लस c x के कोफिशियंट 1 है 1 से डिवाइड लगाओगे 1 ही आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर लेट मी चेक इट बिल्कुल सही आंसर है ब्रैकेट के आगे माइनस और इसको इन्होंने इस तरीके से लिखा है sin 2x by 2 कर दिया है फर्क नहीं पड़ता यार 1/2 लिखो या अपॉन में 2 कर दो, ठीक है ये। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरे ख्याल से इस पे बेस जितने भी टाइप थे बच्चों वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अभी 7.3 पे नहीं जाएंगे अभी क्या करेंगे एक या दो वीडियो और लेके आएंगे क्योंकि 7.3 में आप मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो उसमें और भी कुछ पढ़ाया गया है जो कि एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया गया है क्वेश्चन दे दिया गया है तो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस मतलब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन जो है एक्सरसाइज 7.3 का एंड स्क्रीन पर आ रहा होगा और ज़्यादातर कॉमेंट सेक्शन को चेक करना ना भूलें।